न्यूज। पड़ामलहरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सहलोधी द्वारा आज भारी जनसमूह के साथ नामांकन पत्र भरा गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के दौरान मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव प्रमुख रूप से मौजूद रहे, साथ ही जिला के नेता मौजूद रहे। मंत्री गोपाल भार्गव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह उपचुनाव हम सभी कार्यकर्ताओं एवं पार्टी नेताओं के लिए एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और हमें यह अग्नि परीक्षा हर हाल में देकर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि चुनाव केवल प्रत्याशी ही नहीं बल्कि समस्त कार्यकर्ता और पार्टी लड़ती है। विकास और सिर्फ विकास हमारा प्रमुख मुद्दा है और हम इसी को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आप पर भू माफिया के परसों आरोप लगाए गए। आरोप लगाना तो बहुत अच्छी बात है, सिद्ध कर दें, बाकी हमारे नामांकन पत्र में देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। द्वारा क्षेत्र में आज भी किसानों फसलों का मुआवजा और फसल बीमा राशि ठीक ठाक नहीं मिल पाई। अब मुआवजा, अभी जो फसलें खराब हुई हैं उसका सरकार ने कहा है मुआवजा देंगे, अभी सर्वे का काम चल रहा है और आने वाले समय में जो भी नुकसानी आएगी सरकार भरपाई करेगी। ना तो सर्वे किया जा रहा है ना कुछ है। सर्वे का आकलन अलग अलग प्रकार से होता है, अभी कई पटवारी चुनावी प्रक्रिया फंसे हुए हैं और बहुत से अधिकारी इस प्रक्रिया फंसे हुए हैं। आने वाले समय में अधिकांश हो गया है, सर्वे हो गया, कुछ शेष रह गया है, आने वाले समय में होगी। आज आप पूरी विधानसभा में भाई साहब पीडीएस का चावल पूरी तरह से गोलमाल कर दिया गया, तब आपके संज्ञान में होते हुए आपने क्या एक्शन लिया उसको? मेरे संज्ञान में है, पिछली बार जो पीडीएस का चावल आया था गरीबों को बंटने के लिए वो लेट आया, लेट आने के कारण जब तक दुकानों में गया इसके पहले उसका पोर्टल बंद हो गया, इसलिए कहीं गायब नहीं हुआ है। वो चावल जहाँ का तहाँ है उसके लिए व्यवस्था करी जा रही है, यदि दोबारा पोर्टल खोलने की व्यवस्था होगी सरकार की ओर से तो निश्चित वो चावल गरीबों में बांटा जाएगा। आज आपके जुलूस में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा गया नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी का नामांकन पत्र दाखिल हुआ, इसके साथ ही मैं इस क्षेत्र की पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव जी, इस क्षेत्र की हमारे छतरपुर की पूर्व विधायक और राज्य शासन मंत्री रहे ललिता यादव जी और हमारे साथ जो भी हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया है। आज की रैली के बाद यह स्पष्ट हो गया है और पूर्व से ही माहौल था, वातावरण था, सभी लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बने, विकास के कार्य जो 15 साल में हुए हैं हमने किए हैं, रेखा जी ने किए हैं, सभी लोगों ने किए हैं, ललिता जी ने किए हैं, इन विकास कार्यों को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक मजबूत सरकार की आवश्यकता थी और इस कारण से प्रद्युम्न जी ने अपने बड़ामलहरा क्षेत्र को और ज़्यादा तरक्की और उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए जो काम शेष रहे थे, छूट गए थे, उन कामों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इस राज्य सरकार को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि पिछले बार प्रद्युम्न जी जितने मतों से जीते थे, लोग सरकार का साथ देके लोगों का भविष्य जो है वो उन्हीं के हाथों में होता है, तो मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे संबल योजना का चालू करना हो, चाहे सिंचाई योजनाएं बनाना हो, हर खेत में पानी देना हो, तीर्थ दर्शन योजना लागू करना हो, या फिर हमारी अन्य प्रकार की जो भी लोकप्रिय योजनाएं थी
उनको शुरू करना हो, और राष्ट्रीय स्तर पर यदि नरेंद्र मोदी जी के साथ जो हमने वचन पूरे जो वचन दिए थे राम मंदिर बनाएंगे, अक्सर लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, एक नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारे विरोधी कहते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी तय हो गई, दिवाली से अब काम शुरू होगा, तो हमने जो वचन दिया उसको पूरा किया, चाहे राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो, 3 तलाक का हो, और राज्य में जो हमने वादा किया था उसको ही पूरा किया। प्रद्युम्न जी उसको और आगे बढ़ाएंगे, यही आशा और विश्वास है। आज नामांकन पत्र दाखिल हुआ, हमारी जीत सुनिश्चित है, मतों का अंतर जितना जाए ज्यादा से ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर जैसे योजनाएं तो बहुत दी है, यहाँ पे विकास के लिए काफी काम हुए हैं, लेकिन वो सही ये बात सही है आपने कहा, 15 महीने जो कमलनाथ कहें कपटनाथ कहें अलग अलग नाम से लोग उनको बुलाते हैं, उन्होंने सिर्फ ट्रांसफर किए, रेत खदानों का व्यवसाय किया लोगों के लिए, गुंडों के लिए, बदमाशों के लिए, और उनकी पार्टी के जो चालाक लोग थे, इसी जिले में बहुत से लोग हैं जिनके लिए उन्होंने अल्पकाल में करोड़पति अरबपति बना दिया, आज ही वो धंधा कर रहे हैं, अब उनके धंधे नहीं चलेंगे। और मैं